So hello students, welcome to the Pharma Knowledge channel. Today's lecture we are going to discuss about bigunide. Okay, that means oral hypoglycemic जो एजेंट है या फिर एंटी डायबिटिक एजेंट करके भी आप उसको बोल सकते हो. ओके, सो इसमें मेन क्लास है बिगुनाइड डेरिवेटिव. लास्ट लेक्चर में हमने इसका डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन प्लस मेन इंपॉर्टेंट ड्रग देखा था, इंसुलिन. ओके, सो टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बिगुनाइड. ओरल हाइपोग्लाइसिमिक ड्रग है बिगुनाइड्स, दैट मीन्स फेनफॉर्मिन एंड मेटफॉर्मिन. फेनफॉर्मिन एंड मेटफॉर्मिन क्या है? बिगुनाइड डेरिवेटिव के एग्जाम्पल्स है. ओके, सो फर्स्ट वन, बिगुनाइड डेरिवेटिव मीन्स बिगुनाइड रेफर्स टू द स्ट्रक्चर वेयर टू ग्वानिडिनो मॉलिक्यूल्स. ग्वानिडिनो ग्रुप, आपको ग्वानिडिनो ग्रुप पे भी एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है अगर आपका एग्जाम एमसीक्यू वाइज होता है तो. सो ग्वानिडिनो ग्रुप मीन्स कौन सा ग्रुप? ए वाला जो ग्रुप है ये ग्वानिडिनो ग्रुप है. क्लियर? सो ग्वानिडिनो ग्रुप में क्या है? एनएच एटम है प्लस कार्बन है प्लस डबल बॉन्ड है. ओके, सो ग्वानिडिनो ग्रुप बिगुनाइड डेरिवेटिव में 101% होता है, राइट? जैसे कि हम फेनफॉर्मिन एंड मेटफॉर्मिन का स्ट्रक्चर देखने वाले हैं. ओके, सो ग्वानिडिनो मॉलिक्यूल्स आर लिंक्ड थ्रू अ कॉमन एनएच लिंक. यहाँ पे आपको एनएच लिंकेज देखेगा, जो भी एनएच का लिंकेज है. ओके, वो आपको यहाँ पे देखने के मिलेगा. क्या? दैट इज कॉल्ड एज अ बिगुनाइड्स. ओके, उसी को इन्होंने बिगुनाइड कहा है. और जिस भी स्ट्रक्चर में एग्जाम्पल्स, फॉर एग्जाम्पल्स है इंक्लूडिंग मेटफॉर्मिन एंड फेनफॉर्मिन. ओके, ये दोनों स्ट्रक्चर में ग्वानिडिनो ग्रुप है, दैट मीन्स बिगुनाइड ग्रुप है. क्लियर? सो एनएच लिंकेज है, सो बिगुनाइड डेरिवेटिव है. ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे फेनफॉर्मिन का. ओके, सो एग्जाम में आपको फेनफॉर्मिन का स्ट्रक्चर प्लस आईयूपीएसी नेम पूछा जा सकता है. ओके, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है. हम फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देते हैं इसी ग्रुप में या फिर इस स्ट्रक्चर में? फंक्शनल ग्रुप, राइट? फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा जाता है फंक्शनल ग्रुप पे. अगर फंक्शनल ग्रुप कोई नहीं होता है तो जो भी हेट्रो एटम है उसको सेकेंड प्रायोरिटी देते हैं हम, राइट? लेकिन इसमें फंक्शनल, स्ट्रांग फंक्शनल ग्रुप है ग्वानिडिनो ग्रुप, दैट मीन्स बिगुनाइड ग्रुप. क्लियर? सो नंबरिंग कैसे स्टार्ट होगा? 1, देन 2, 3, 4 एंड 5. क्लियर? 5 एनएच ग्रुप है, लिंकेज है नाइट्रोजन का. क्लियर? सो बिगुनाइड 1 फेनाइल इथाइल. सिंपल है. फर्स्ट नंबर नाइट्रोजन पे, फर्स्ट नंबर पोजीशन पे कौन सा ग्रुप अटैच है? फेनाइल ग्रुप प्लस इथाइल ग्रुप, टू कार्बन एटम, मीथेन एंड इथेन. सो 1 फेनाइल इथाइल बिगुनाइड. ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फेनफॉर्मिन. इसी स्ट्रक्चर में या फिर इसके नेम में ही इसका स्ट्रक्चर है. फेन, फेन मीन्स फेनाइल, फॉर्मिन मीन्स जो भी ग्वानिडिनो ग्रुप है. क्लियर? सो फेनाइल इथाइल बिगुनाइड इज अ आईयूपीएसी नेम ऑफ फेनफॉर्मिन. ओके, एमसीक्यू में भी आपको आईयूपीएसी नेम पे क्वेश्चन आ सकता है. यहाँ पे ऑप्शन हो सकते हैं 2 फेनाइल या फिर 5 फेनाइल इथाइल बिगुनाइड. क्लियर? तो आपको मालूम होना चाहिए सिर्फ फर्स्ट नंबर पोजिशन पे यहाँ पे फेनाइल प्लस इथाइल ग्रुप अटैच है, दैट इज कॉल्ड एज द फेन फॉर्मिन. बाकी का ये स्ट्रक्चर जो है फंक्शनल ग्रुप है, वो आपको याद रखना पड़ेगा ये लिंकेज, क्योंकि ग्वानिडिनो ग्रुप पे भी क्वेश्चन आ सकता है आपको. क्लियर? सो दिस इज द स्ट्रक्चर एंड आईयूपीएसी नेम ऑफ अ फेन फॉर्मिन. ओके, द नेक्स्ट वन, प्रॉपर्टीज ऑफ अ फेन फॉर्मिन ड्रग. अभी प्रॉपर्टीज में हमें क्या देखना है? कलर, ओडर, जो भी टेक्सचर है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है. सो फर्स्ट पॉइंट, फेनफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट ऑकर्स एज अ 5 क्रिस्टलाइन पाउडर हैविंग अ बिटर टेस्ट. मीन्स हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट है, सॉल्ट एडेड कंपाउंड है, क्रिस्टलाइन पाउडर है प्लस बिटर टेस्ट. ओके, देन फ्रीली सोल्युबिलिटी. सोल्यूबल क्या है? फ्रीली सोल्यूबल इन अ वाटर मॉलिक्यूल. वाटर मॉलिक्यूल में कंप्लीटली सोल्यूबल है. क्लियर? देन स्टोरेज कंडीशन, इट इज स्टोर्ड इन अ वेल क्लोज्ड कंटेनर. ओके, वेल क्लोज्ड कंटेनर मीन्स पैक्ड, जो भी कंटेनर क्लोज है उस कंटेनर में आपको स्टोर करना है. ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट है यूजेस ऑफ फेनफॉर्मिन. अभी फेनफॉर्मिन का यूज आपको पता है, ओरल हाइपोग्लाइसिमिक ड्रग करके हम यूज कर सकते हैं जो भी डायबिटिक पेशेंट है. ओके, सो डायबिटिक मेलाइटिस जैसे जो भी डिसीज है उसके ट्रीटमेंट के लिए हम ये ड्रग यूज किया कर सकते हैं, फेनफॉर्मिन एंड मेटफॉर्मिन. ओके, सो इट इज़ यूज्ड ओरली फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज मलाइटस. ओरली यूज करते हैं, दैट मीन्स ओरल हाइपोग्लाइसिमिक एजेंट भी बोल सकते हो आप इसको. ओके, इंजेक्शन मीन्स पैरेंटरल रूट सिर्फ इंसुलिन है.
बाकी ऑल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग क्या है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स है, क्लियर। सो आइदर अलोन और अलॉन्ग विद द अदर हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, क्लियर। सो दिस इज द यूजेस ऑफ फेनफॉर्मिन। द नेक्स्ट पॉइंट है प्रिपरेशन। अभी ऑफिशियल प्रिपरेशन कौन कौन से हैं? फेनफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट एडेड कंपाउंड है, ब्रिटिश प्लस इंडियन फार्माकोपिया फॉर्मुलेटेड है, फेनफॉर्मिन का टैबलेट है, एंड ब्रांड नेम क्या है इसका? DVI प्लस डीपर। ओके, सो दिस इज द ब्रांड नेम ऑफ फेनफॉर्मिन, क्लियर। ब्रांड नेम पे भी आपको क्वेश्चन आ सकता है MCQ में। सो इम्पॉर्टेंट ड्रग है यहाँ पे, देखिए फेनफॉर्मिन प्लस मेटफॉर्मिन। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड। ओके, सो मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड यहाँ पे सेकेंड ड्रग है। अभी मेटफॉर्मिन का स्ट्रक्चर देखिए और फेनफॉर्मिन का स्ट्रक्चर है, चेंज कहाँ पे है? मेटफॉर्मिन पे आपको 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है। गिव द स्ट्रक्चर IUPAC नेम प्रॉपर्टीज यूजेस एंड ऑफिशियल प्रिपरेशन ऑफ मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड या फिर फेनफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड। सो इस स्ट्रक्चर में चेंज कहाँ पे देखिए, फेनफॉर्मिन में यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है और मेटफॉर्मिन में यहाँ पे फेनाइल ग्रुप है। दैट मीन्स मेटफॉर्मिन में मिथाइल है और फेनफॉर्मिन में फेनाइल है। मीन्स सिर्फ उसके नेम से ही आपको पता चलेगा। फॉर्मिन मीन्स बिगुनाइट डेरिवेटिव, दैट मीन्स ग्वानिडिनो डेरिवेटिव, एंड मेट मीन्स मिथाइल, फेन मीन्स फिनाइल। ओके, सो सिंपल है, ये जो भी कंपाउंड है वो ग्वानिडिनो ग्रुप है। जो भी बेसिक कंपाउंड कौन सा है इसमें? बिगुनाइड कंपाउंड है, क्लियर। सो NH का जो लिंकेज है उसी NH लिंकेज में यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है। मीन्स लास्ट के कार्बन पे, कार्बन नंबर फर्स्ट पे कौन सा ग्रुप अटैच है? 2 मिथाइल ग्रुप, क्लियर। अभी फेनफॉर्मिन का स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पे, फेनफॉर्मिन के स्ट्रक्चर में क्या है? बिगुनाइड डेरिवेटिव वैसे का वैसा है, सिर्फ फर्स्ट NH पे ये वाला कंपाउंड अटैच है, मिथाइल प्लस फेनाइल। उसी तरह आप अगर मेटफॉर्मिन का स्ट्रक्चर देखोगे तो मेटफॉर्मिन के स्ट्रक्चर में सिर्फ 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है यहाँ पे। ओके, सो 1 देन 2 देन 3 4 5, ओके इस टाइप पे जाएगा। सो फर्स्ट नंबर के नाइट्रोजन पे 1,1-dimethyl, 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है। सो 1 एंड 1 देन डाई, जब 2 आता है तो हम सफिक्स डाई यूज करते हैं, देन मिथाइल, 1 कार्बन है, ओनली 1 कार्बन, सो मिथाइल देन बिगुनाइड। ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये कौन सा ग्रुप है? बिगुनाइड ग्रुप है, दैट मीन्स ग्वानिडिनो कंपाउंड है, क्लियर। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेटफॉर्मिन। सिंपल IUPAC नेम है 1,1-dimethyl बिगुनाइड, क्लियर। स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम कोई डाउट नहीं है। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। ओके, अभी प्रॉपर्टीज में हमें क्या देखना है? उसका स्ट्रक्चर, दैट मीन्स कलर, ओडर है ना, टेक्सचर, अपियरेंस, जो भी है फिजिकल प्रॉपर्टीज। इट ऑकर्स एज अ वाइट ओडरलेस हाइग्रोस्कोपिक क्रिस्टलाइन पाउडर विथ अ बिटर टेस्ट। बिटर टेस्ट है, ओडरलेस है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर है, ओके, वाइट कलर का पाउडर है। देन इट इज़ फ्रीली सोल्यूबल इन अ वाटर, वाटर में क्या है? फ्रीली सोल्यूबल है, क्लियर। देन स्टोरेज कंडीशन, अभी स्टोरेज कंडीशन क्या आएगा? इट इज़ स्टोर्ड इन अ वेल क्लोज्ड कंटेनर, वेल क्लोज कंटेनर में कंपाउंड स्टोर्ड है। ओके, देन नेक्स्ट लाइन, इट इज़ गिवन ओरली फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज मलाइटिस। मीन्स यूजेस में क्या आएगा? जो भी डायबिटीज मलाइटिस टाइप के जो भी डिसीजेस है उसकी ट्रीटमेंट के लिए हम ये ड्रग यूज कर सकते हैं, क्लियर। एज अ ओरल हाइपोग्लाइसिमिक ड्रग करके भी इसका यूज है। ओके, देन नेक्स्ट लाइन प्रिपरेशन। नाउ ऑफिशियल प्रिपरेशन क्या है? फर्स्ट प्रिपरेशन है मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट एडेड कंपाउंड है। सो मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड BP प्लस IP। ओके, देन सेकेंड प्रिपरेशन है मेटफॉर्मिन का टैबलेट है, ओके, जो कि ब्रिटिश फार्माकोपिया प्लस इंडियन फार्माकोपिया यहाँ पे फॉर्मुलेटेड है, क्लियर। सो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया? प्रिपरेशंस, यूजेस, स्टोरेज, प्रॉपर्टीज, IUPAC नेम, स्ट्रक्चर ऑफ मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड फर्स्ट ड्रग। देन सेकेंड ड्रग था प्रिपरेशन, यूजेस, स्टोरेज, प्रॉपर्टीज, IUPAC नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ फेनफॉर्मिन। दोनों भी क्या है? बिगुनाइड के डेरिवेटिव है, ओके, उसके क्लास हैं। ओके, सो इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चन आ सकता है। गिव द बिगुनाइड, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ बिगुनाइड डेरिवेटिव्स। ओके, जो भी
एग्जाम्पल से बिगुनाइड के उसके आपको स्ट्रक्चर, आईयूपीएसी नेम, प्रॉपर्टीज, यूजेस कंप्लीट लिखना पड़ेगा वहाँ पे। टू एग्जाम्पल है, फर्स्ट वन इज अ फेनफॉर्मिन एंड सेकेंड वन इज अ मेटफॉर्मिन। ओके, सो दोनों एग्जाम्पल आप यहाँ पे याद रखिए, एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आ सकता है। स्ट्रक्चर प्लस उसके आईयूपीएसी नेम भी हमने यहाँ पे शॉर्टली डिस्कस किया है। ओके, सो क्लियर है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।